पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय पाल महासभा के बैनर तले पाल समाज के लोगों के द्वारा लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रकाश नगर चौराहे पर मूर्ति लगवाने और चौराहे का सौंदर्यकरण किए जाने की मांग को लेकर मंडल कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। अखिल भारतीय पाल महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमारी पाल के नेतृत्व में जनपद भर के पाल समाज के लोग मंडल आयुक्त कार्यालय पर एकत्रित हुए और मांगों को लेकर एक ज्ञापन मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मुरादाबाद लाइन पार स्थित लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर प्रकाश नगर चौराहे पर उनकी मूर्ति लगवाने और चौराहे का सौंदर्यकरण कराने की मांग की जा रही है। हमारा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर चौराहा है लाइन पार में, वो चौराहा 2010 में नगर निगम ने सौंदर्यकरण कराया था, वो प्रस्तावित भी है, वहाँ से पंजीकृत है और उसके बाद आज तक सारे स्मार्ट सिटी है, चौराहे सब सौंदर्यकरण हो रहा है। हमने कई बार नगर आयुक्त को इसके ज्ञापन भी दिया था लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई और वो चौराहा बहुत बुरी अवस्था में पड़ा हुआ है। अभी 31 मई को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन आ रहा है। पाल समाज चाहता है कि हम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर चौक पे ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर अपने का जन्मदिन अपने तरह से मनाएं, तो उससे पहले मूर्ति स्थापना और उसके सौंदर्यकरण की हमने मांग रखी। क्या आश्वासन दिया है? क्या ठीक है, हो जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।